हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो 1000 घंटे हो चुके हैं मेरी मशीन के, तो आज इसकी ट्रांसमिशन की और इंजन की सर्विस है। इंजन की सर्विस की वीडियो तो मैंने पहले भी बना दी थी, आज मैं ट्रांसमिशन की बना देता हूँ। आज मैं इंजन की सर्विस कर लेता हूँ, आज मैं ट्रांसमिशन की बनाता हूँ वीडियो। भाई इंजन की सर्विस कम्प्लीट हो चुकी है, अब इसकी ट्रांसमिशन की सर्विस करेंगे। तो पहले ट्रांसमिशन फिल्टर खोलेंगे। 38 नंबर चाबी लगती है, लेकिन 38 नंबर चाबी है नहीं हमारे पास, तो 41 नंबर चाबी लगा के और इसमें 1 रुपये का सिक्का लगा के फिर इसको खोल रहे हैं। खोल गया, ठीक ही आंदा, ठीक आंदा तेल। और एक ये भी काला आवे, जिकड़ा धुआं बढ़ता है भाई। ये ट्रांसमिशन का ड्रेन बोल्ट खोलेंगे, खोलने के लिए एक छोटी हेल्प रॉड चाहिए और ये छोटी टामी चाहिए, इतने बड़े मुंह वाली। अब इसका मुझे साइज पता नहीं है एक्यूरेट। ये हेल्प रॉड होगी और ये यहाँ से ऊपर टामी होगी। ये ट्रांसमिशन का ड्रेन बोल्ट है। भाई ट्रांसमिशन का निकल रहा है ऑयल सारा। इस ट्रांसमिशन में 16 लीटर लगभग तेल रहता है, बाकी जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो आगे डिफरेंशियल में रहता है। 36 लीटर के लगभग डिफरेंशियल में रहता है, टोटल 52 लीटर ऑयल पड़ता है। भाई एक बट्ठल तेल निकल चुका है, दूसरा बट्ठल निकाल रहे हैं तसला। भाई अब डिफरेंशियल का ड्रेन बोल्ट है, तसला ले ना खोलो। इदी ला दी होने जिदा हूँ तो दिखा करता, पहले दिखता नहीं। चुंबक लग गया भाई, थे और चुंबक लग गया होंगे ना, क्योंकि कचरा कुचरा जो हो गया इतने आके रुक जाए। अच्छा, इस करके एक भर भर के दे रहा है, मैं डाल रहा हूँ इसमें तेल बार बार तगारी से। इसका कमाल देखना भाई, इसका ऑयल जितना निकलना था वो निकल चुका है। अब इसका ये ड्रेन बोल्ट लगा देंगे। ऑयल डालने से पहले अब ये जरूर लगा दें, तो कभी ये ऐसा ना हो जाए कि ऊपर से आप ऑयल डालो और नीचे से ज़्यादा निकल जाए। मेक श्योर इसको ध्यान जरूर रखें भाई। और उधर भी परला वाला भी, ट्रांसमिशन वाला भी ड्रेन बोल्ट लगाना है। ड्रेन बोल्ट कसने के बाद अब फिल्टर लगाएंगे, इसको अच्छी तरीके से पहले साफ करेंगे बड़े तरीके से। ये भाई इसका फिल्टर है, ये इसका पार्ट नंबर है 337-52-70। अलग तरीके के आते हैं ट्रांसमिशन फिल्टर, ये ग्रे कलर वाला आता है, एक ब्लैक कलर वाला भी आता है। 2019 मॉडल मशीन है, 120K2, इसके लिए ये वाला फिल्टर लगता है। ये भाई इसका फिल्टर नया, तो इधर से भाई ये कैट लिखा हुआ है, ये कैट लिखा हुआ है, इधर साइड ऊपर रहेगी। ये पुराना वाला ओरिंग निकाल के जो इसके साथ नया ओरिंग मिला है वो ओरिंग लगा देंगे। होगा तो दोस्तों वो भी सही, पर जब नया मिला है तो नया लगा देते हैं, ठीक है इस तरीके से। तो इसको भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऐसे ही लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैट कहती है हमारे मशीन में कोई भी फिल्टर आप भर के मत लगाओ, ऐसे लगाओ, कैट वालों ने खुद बोला हुआ है। नंबर की चाबी में फिर 1 रुपया रख के इसको कस देंगे। बस 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 हो गया टाइट, भाई इसको टाइट कर दिया है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो चूड़ी है ना दोस्तों, इसकी ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर की 1.5 चूड़ी बाहर ही रहती है। जब इसको कसते हैं ना तो चूड़ियों पे जो तेल लगा होता है ना, तो वो आगे को घिसक के ना फिर ये ऐसे नीचे आता है। तो ऐसे लगता है कभी कभी कि यार अभी ट्रांसमिशन फिल्टर और कसा जाएगा और कसा जाएगा, लेकिन फुल टाइट हो चुका होता है। यहाँ मन में आपके वहम रहे कि भाई टेढ़ा कसा गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, 1.5 चूड़ी ये बाहर ही रहती है। सही तरीके से ऐसे साफ कर दो, ठीक है ना, तो ताकि लगे कि हाँ सर्विस हुई हुई है, काम पेटेंट। भाई फिल्टर लग चुका है, ड्रेन बोल्ट लग चुके हैं, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। 52 लीटर ऑयल आएगा टोटल इसका। दोस्तों जो सारा ऑयल है वो डिफरेंशियल में पड़ता है। ये दोस्तों इसमें पंप लगा हुआ है, पंप की मदद से सारा डिफरेंशियल में से ऑयल जितना ट्रांसमिशन को चाहिए होता है उतना ट्रांसमिशन ले लेता है, बाद में फिर रिटर्न पाइप से डिफरेंशियल में आ जाता है। तो जो डालने का जो पाइप है सीधा डायरेक्ट डिफरेंशियल में लगा हुआ है, वो वाला पाइप आपको दिख रहा होगा आगे पीला, वो मेरी उंगली की सीध में, आपको उधर से दिखाता हूँ मैं। ट्रांसमिशन ऑयल चेक करने का गेज भी है और यहाँ से डलता भी है तेल, तो यहाँ से डिफरेंशियल और ट्रांसमिशन दोनों का ऑयल चेक होता है। सीधा जो पाइप है ना, इसकी बात कर रहा था मैं, ये सीधा पाइप दोस्तों, ये देखो ये वाला पाइप है, ये वाला पाइप सीधा डिफरेंशियल में लगा हुआ है, ये वाला पाइप सीधा डिफरेंशियल में लगा हुआ है, ये वाला सीधा आगे जाके, ठीक है।
भाई अब ट्रांसमिशन ऑयल डालने की तैयारी हो रही है। आवाज दब गई मेरी, उसमें 52 लीटर ऑयल आएगा टोटल। दो बाल्टी पूरी डाल देंगे, एक बाल्टी में 20 लीटर है, तीसरी बाल्टी में से आधा डाल के और 2 लीटर और डाल देंगे। दो बाल्टी दोस्तों वो खाली हो चुके हैं, ये तीसरी बाल्टी डालते हैं। तो भाई वो ट्रांसमिशन ऑयल डल चुका है, अब इसको स्टार्ट करेंगे। इंजन की भी सर्विस करी थी, वाल बंद है, वाल खोलेंगे, फिल्टर भरेंगे। स्विच ऑन कर, स्विच ऑन कर दिया। ये मोटर लगी है, ये डीजल मोटर होती है, ये डीजल मोटर सारे फिल्टर भर देगी क्योंकि सारे फिल्टर खाली लगाए थे। कैट में मैंने पहले बताया कोई फिल्टर हमारे भर के नहीं लगाते, तो अभी जब मोटर रुक जाएगी अपने आप फिर इसको स्टार्ट करेंगे। फिल्टर भरने लगे हैं, मोटर पे लोड बढ़ रहा है, इसको मोटर रुक चुकी है तो अभी स्टार्ट करेंगे रब दाना लेके। चल स्टार्ट कर वाहेगुरु सच्चे पातशाह। दोस्तों स्टार्ट करने के बाद इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेक करेंगे अब। दोबारा ला साफ करके पैप खाली गंदा हो जाए। दोस्तों पैप अभी पूरा तेल से सना हुआ है ना, तो पूरा गेज में सन गया पैप तेल में। पैन तो ला दे, चेक नहीं होने डाली, बार रोक के चेक होगा। पूरा पैप सना हुआ है ना जिसमें तेल डाला है, पूरा तेल से सना हुआ है इसलिए चेक नहीं हो पा रहा सही, थोड़ी देर रुक के चेक करेंगे अब। तो ये दोस्तों ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर का नंबर है 3375270 और ये अपना कितने का पड़ा है, 7704 रुपये का पड़ा है। ये ट्रांसमिशन ऑयल की बाल्टी है, 50 नंबर इसमें ऑयल पड़ता है। देखो ट्रांसमिशन ऑयल एंड ड्राइव ट्रेन ऑयल TDTO 50। तो रेट देख लेते हैं कितना है, कैट TDTO 50 और एक बाल्टी का रेट है 4930 रुपये, तीन बाल्टी 14790 रुपये। तो ये था दोस्तों ट्रांसमिशन ऑयल की सर्विस का खर्चा, और ऐसे होती ट्रांसमिशन ऑयल की सर्विस, वो आप कर सकते हो। ट्रांसमिशन की और डिफरेंशियल की इकट्ठी सर्विस होती है इस मशीन की, कैट की। तो 2019 मॉडल की ये सर्विस करी है मैंने, हालांकि मैं पहले भी मैंने ये वीडियो डाल चुका था ट्रांसमिशन ऑयल की सर्विस की, पर मैंने सोचा एक बार ये 2019 मॉडल की भी दोबारा डाल दूँ, तो क्योंकि पहले इसकी इंजन ऑयल इंजन सर्विस की भी वीडियो मैंने डाली हुई है। ये ऊपर आपको ये सफ़ेद कलर की पट्टी सी आई होगी, यहाँ पे ओके करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और तो ठीक है दोस्तों, बताना वीडियो कैसी लगी, क्या बताना सही लगा, क्या बताना गलत लगा, और क्या कुछ और सही तरीके से हम कर सकते थे तो बताना कमेंट में। तो ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है दोस्तों, फॉलो कर लो। कोई भी बात होती है, कोई मैसेज करना है तो यहाँ करा करो। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।